तो भैया सेवा की तुमने देश की, हमारी जान क्यों नोच रहे हो, हम जितना करा सकते उतना ही करा। तो भैया सेवा की तुमने देश की, हमारी जान क्यों नोच रहे हो, हम जितना करा सकते उतना ही करा। बाकी किसी सब्जेक्ट से उसमें मेरा मतलब नहीं है, वो बहुत आदरणीय है, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने देश सेवा की है, तो उनको कोई ना कोई प्रेफरेंस मिलना चाहिए। तो प्रेफरेंस तो जॉब का मिल रहा है उनको, आप मुझे बताओ किसी और ऐसी जगह पे है डिफेंस के अलावा कि आप वहां से रिटायर होने के बाद आपको सरकारी नौकरियों में अच्छी तरीके से नौकरी मिल सकती है। अरे यहाँ पढ़े लिखे बेरोजगार बेचारे मारे मारे घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन एक्सेस उस मैन के संग ये प्रॉब्लम नहीं है, वो न करना चाहे उसकी मर्जी, लेकिन नहीं तो उसको जॉब मिल रही है। तो रीसेटलमेंट के लिए जो एक सर्विसमैन को जॉब मिल रहा है, वहां पे उनकी ये उम्मीद होती है कि हमको प्लेसमेंट में लोकल पोस्टिंग दी जाए या नियर बाय, क्योंकि हम बहुत दूर नौकरी करके आए हैं। एक्स सर्विसमैन वांट्स प्रेफरेंस, आप लोग चाहते हैं देश सेवा की, तो उनको मिलना चाहिए, संभव नहीं है। दैट इज वी आर ओनली रेजिंग इशूज, वी डोंट नो वेदर वी कैन रिजॉल्व इट और नॉट, वी आर ओनली रेजिंग इशूज, प्रेफरेंस दो कल को। अच्छा एक प्रेफरेंस की कैटेगरी और है, यूनियन एक्टिविस्ट पदाधिकारी, उसको तो नहीं ट्रांसफर करा देंगे, यूनियन कौन चलाएगा। तो इसका मतलब है कि मेंबर से कोई ट्रांसफर का मतलब नहीं है, अपनी अपनी दुकान देखो, हम सिर्फ प्रेफरेंशियल कैटेगरी को अटेंड करेंगे। That cannot happen. इसलिए एक्स सर्विसमैन साथियों को समझना पड़ेगा कि आपको रिसेटलमेंट जो जॉब में मिल रहा है, ये आपके डिफेंस सर्विस का ही तो इनाम है। और क्या? तो जब आप वहां पे इतने साल काट के आ सकते हैं, तो यहां अगर आपका प्लेसमेंट बैंक कहीं भी करता है, तो उतना टाइम तो काट लो जितना और काटते हैं दो तीन साल में। अब तक तो ये कोशिश तीन तीन साल में पहुंच जा रहा हूं, अगर उतना भी आप नहीं काट सकते, तो भैया सेवा की तुमने देश की, हमारी जान क्यों नोच रहे हो, हम जितना करा सकते उतना ही करा। कहां से करा देंगे, इससे ज्यादा तुम करा नहीं सकते। तो उन साथियों को ये बात समझनी पड़ेगी कि संगठन पूरी तरह चाहे, पूरी तरह आपके लिए लग जाए, तो भी ये संभव नहीं है। सभी बैंकर मित्रों को मेरा नमस्कार। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ दिखाई व सुनाई दे रहा है कि एक बैंक के नेता हमारे एक्स सर्विसमैन बैंक कर्मचारियों के खिलाफ किस तरह से जहर उगल रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन नेताजी को एक्स सर्विसमैन से काफी बैर है। अरे भाई, कोई इन नेताजी को बताओ कि फौज में जाना तुम जैसे कायरों के बस की बात नहीं है। जब एक युवा अपनी जवानी देश के नाम कुर्बान करता है देश की हिफाजत के लिए, तभी तो तुम जैसे नेता सुरक्षित रूप से अपनी नेतागिरी चमका पाते हैं। उसी फौजी को यदि संविधान द्वारा कुछ रियायत देते हुए रीसेटलमेंट का प्रावधान किया जाता है, तो इससे तुम्हें या किसी और नेता को जलन क्यों होती है। हम इन नेताजी से पूछना चाहते हैं कि क्या इन्होंने कभी लेह, सियाचिन या कारगिल के -45 डिग्री टेम्परेचर या तपते रेगिस्तान का अनुभव किया है, और जवाब है नहीं। इन नेताजी को मालूम होना चाहिए कि जब देश की हिफाजत के लिए एक सैनिक सरहदों पर तैनात होता है, तब उसका परिवार उसके साथ नहीं होता। जबकि इन नेताजी ने 37 साल की बैंक की नौकरी में 37 घंटे के लिए भी अपने परिवार को नहीं छोड़ा होगा। अब जबकि रीसेटलमेंट के बाद उसी सैनिक को अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिलता है, तब ये नेताजी बैंकों में एक्स सर्विसमैन के लिए फेवरेबल ट्रांसफर पॉलिसी होने के बावजूद उसको फिर से परिवार से जुदा करने के लिए दूर पोस्टिंग दिलवा देते हैं। आखिर एक्स सर्विसमैन के साथ ऐसा अन्याय कब तक चलेगा। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि ऐसे नेताओं को इन दुर्गम क्षेत्रों में भेजने की व्यवस्था की जाए, जिससे देश के सैनिकों के प्रति इनका विचार और नज़रिया बदले। वी बैंकर्स की पूरी टीम इन नेता द्वारा एक्स सर्विसमैन के विरुद्ध कही गई अनर्गल बातों की घोर निंदा करते हैं, और उम्मीद करते हैं ये नेताजी सार्वजनिक रूप से पूर्व सैनिकों से माफ़ी मांगेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। का 5 साल के बाद का एरियर भी नहीं लेंगे क्या? ये आपके अलग अलग विषय हैं, फिर भी